हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बिहारी काइट्स। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी मैं जो खड़ा हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, गुरु गोविंद सिंह सदर हॉस्पिटल। जगह अगर बताया जाए भाई साहब, तो दिल का पुराना जो टेस्ट का शुरुआत होता है पटना सिटी के रास्तों से, पटना सिटी की गलियों से होता है, ये वही जगह है जी। मजा लीजिए गुरु, एकदम मजा, चाप के लहरिया लूट के महाराज। एकदम बोलते हैं ना, टेस्ट के लिए ना ये भाई कहीं भी जाएगा। अब भाई साहब अभी जो आए हैं ना टेस्ट के मतलब तलाश में, 50 साल पुराना, जी हाँ 50 साल पुराना टेस्ट, क्या बोलते हो दोस्त? जी हाँ 50 साल पुराने टेस्ट के लिए आपके लिए आए हैं भाई साहब। लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। जगह भाई साहब, जगह कौन सा है तो चलिए जगह बताते हैं आपको। यहाँ दोस्तों, यानी कि पीछे देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह जो सदर हॉस्पिटल है, आप पटना सिटी में जब आइएगा तो यहीं पर एक छोटा सा कार्ट मुझे एक और भी मिला है, जहाँ पर भीड़ मुझे काफ़ी दिखा। एक्चुअली आज हमने कंटेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शूट किया है, तो एक्चुअली आज मेरा पेट जो है पूरा टाइट है, क्योंकि आज हम अभी यहाँ टेस्ट रिव्यू अपना नहीं करेंगे, लेकिन ऑडियंस जो खा रहे हैं इनका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या है यहाँ पे, क्या खास है। और गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है देखा जाए तो ये मछली जो है ये फ्राई हो रहा है लिट्टी के साथ, और काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। और यहाँ पे और क्या आइटम है हम जानते हैं इनके ओनर से। सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम भोला साहू है। भोला साहू जी, ये जगह बेसिकली अगर बोला जाए किसी ऑडियंस को आना हो तो क्या बोलेंगे? गुरु गोविंद सिंह सदर हॉस्पिटल पटना सिटी है ना। ये जगह कौन सा है? ये जगह जनानी गेट के नाम से जाना जाता है। जनानी गेट, ठीक है गाइज, आप जान सकते हैं। और क्या क्या आपके यहाँ मिलता है? मेरे यहाँ मटन मिलता है, मटन और मछली मिलता है, मछली मिलता है लिट्टी के साथ, है ना। और टाइमिंग क्या रखता है आपको दुकान का? 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। 5 बजे से रात में 10 बजे तक, और हर दिन लगाते हैं? मेरे ख्याल से मतलब कोई दिन बंद नहीं होता है, बीते बार को बंद रहता है। अच्छा, और सिटी में हम जब आए हैं तो हम मैक्सिमम लोग को देख रहे हैं कि मतलब मंगलवार को और गुरुवार को लोग नहीं खाते हैं, तो इस कारण से बंद रखा गया, तो ये अच्छी बात है। और अभी क्या बचा हुआ आपके पास? मतलब मछली है, मटन है। मटन है, एक बार मटन हमें हमारे ऑडियंस को दिखाइए ज़रा। तो गाइज आप देखिए, मटन में काफ़ी बढ़िया रोगन, एकदम जो है रोगन जो होता है ना, रोगन छोड़ रहा है एकदम। कितना पर डे मटन बनाते हैं आप? 5 किलो बनाते हैं। और पर डे मतलब सेल हो जाता है? हो जाता है। और मछली कौन सा यूज करते हैं? रेहू। और सेल कौन सा यूज करते हैं? स्कूटर यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। और देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लोग का भी भीड़ है, और कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन छोटा सा कार्ट है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। और एक्चुअली हम लोग इधर से जा रहे थे वीडियो रिकॉर्ड करके भाई साहब, तो काफ़ी अच्छा हमें जो स्मेल है, खुशबू है, वो अट्रैक्ट किया। तो मछली का तो खुशबू था ही, लेकिन थोड़ा सा खुशबू जो आता है, बोलते हैं ना कि मटन का खुशबू जो होता है भाई वो पता चल ही जाता है, तो वो खुशबू भी हमें अट्रैक्ट करता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी यूनिक मुझे लगा। आप लोग भी आना चाहें तो यहाँ पे आइए, और जो लोग भी यहाँ पर खाए हैं उन लोगों से भी हम लोग रिव्यू करते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहें। यहाँ पे एक जो कस्टमर है वो खा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है, क्या खा रहे हैं अभी आप? अभी मछली खा रहे हैं। मछली खा रहे हैं और मछली और लिट्टी खा रहे हैं, ये मतलब आप पहले बार आए हैं या हमेशा आते हैं? हम हर महीने में आते हैं। हर महीने में आते हैं, यहाँ मार्केट करते हैं, उसके बाद आते हैं तो खाते हैं। मतलब कैसा लग रहा है टेस्ट? ठीक, यहाँ का टेस्ट सेटिस्फाइड है। मतलब इस टेस्ट से आप अगर बोला जाए कि यहाँ पर आप दोबारा आना है तो मतलब एकदम प्रेफर कोई कर सकता है क्या? है ना, क्या कि तेल वगैरह भी ये लोग अच्छा यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया तेल दे रहे हैं। और मटन का भी कलर जो है आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मटन का भी कलर है। और एक कस्टमर और भी यहाँ जो मटन खा रहे हैं, हम लोग उनसे भी जानेंगे कैसा मटन का टेस्ट है, कैसा स्वाद है, तो हमारे साथ बने रहें। और एक चीज़ और भी है कि ये जो आप मटन जो तैयार करते हैं, मतलब बहुत लोग को शिकायत होता है कि मटन का क्वालिटी अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो ये मतलब एकदम खुद से एकदम से है ना, मतलब कभी भी खा के देखिए ना भाई, कभी भी खा के देखें है कि नहीं, मतलब मटन में कहीं कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं क्या? तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि मटन बहुत कम जगह अच्छा मिलता है टेस्ट के साथ क्या, तो ये बहुत बढ़िया। एक कस्टमर और भी यहाँ पर खा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मटन है और लिट्टी है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, है ना। कैसा लग रहा है टेस्ट आपको? टेस्ट में भोला जी का लिट्टी और मटन पुराना क्या है ना, मतलब भोला जी यहाँ के लिए पूरा फेमस है यहाँ पे क्या। कोई भी आएंगे तो जगह गाइस आप लोगों को मैं दिखा दूँ एक बार, गुरु गोविंद सिंह सदर हॉस्पिटल, आप पटना सिटी में आकर अगर आप पता करेंगे तो। और ये जगह कौन सा बताया था? ये जनानी गेट के नाम, जनानी गेट के नाम से है ना, तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, मतलब आप सेटिस्फाइड है? हम सप्ताह में 5 दिन खाते हैं। सप्ताह में 5 दिन खाते हैं, मतलब देखिए 2 दिन तो एक गुरुवार और मंगलवार को बंद ही शायद रखते हैं, बाकी जो जितना दिन यानी हर दिन खाना है, क्या बात है। मतलब देखिए ऑडियंस का जो है काफ़ी बढ़िया रिव्यू है, और देख सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मछली पुराना मछली लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, तो आपका क्या है मछली में कौन सा क्वालिटी यूज़ करते हैं? मछली में रेहू करते हैं। रेहू करते हैं, है ना। पर डे मछली कितना आप करते हैं?
मछली 8 से 10 किलो। 8 से 10 किलो। और ये मटन? मटन 5 किलो। 5 किलो। और प्राइस क्या है एक बार हमारे ऑडियंस को फिर से बताइए। प्राइस मछली का प्राइस 20 रुपये है। 20 रुपये। और लीची 15 रुपये 2 पीस है। अच्छा। और मटन 50 रुपये 2 पीस है। 1 पीस है ना। तो और कोई मटन चाहे सिर्फ पैक करवाना, क्योंकि स्टूडेंट का भी एरिया है तो वो पैक करवा सकता है ना। मतलब आप पैक का भी व्यवस्था रखें, वो काफ़ी बढ़िया है। और गाइस काफ़ी बढ़िया है, और आप लोग भी आए और सपोर्ट करें जितना हो सकता है, और हमारे साथ आप बने रहें।